आज रात के खाने में हम लोग लिट्टी चोखा का प्लान बनाए हैं। आग वाला बहुत मन करता है लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है, तो तल के ही बनाऊंगी। तो मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आज जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं 2-3 दिन से नहीं बना रही, इसके लिए सॉरी। क्या कर रही है मोमो? वो पतली हो गई है। लो अब आइए कैश की किचकिट से मुक्ति। आसानी से अपना टाटा स्काई अकाउंट रिचार्ज कीजिए, भेजिए मोबीक्विक फ्री चार्ज। और आज काफ़ी सुबह सुबह मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी बजे हैं 8:30। आप देख सकते हैं मैंने अभी चाय पिया है। चाय पी के कप अभी मेरे टेबल पे ही पड़ा है। काम मेरे भी सारे पड़े हुए हैं और मोमो जग गई है, इसको टीवी देखना है। सोमिया सोई हुई है। सोमिया का पिक बज। और आप वैसे भी जानते ही, आप लोग की क्लास तो ऑनलाइन चल रहा है, किसी को कहीं आना जाना नहीं है। तो थोड़ा अभी जो हमारा क्या, मुझे लगता है सबका टाइम टेबल तभी सबका गड़बड़ ही चल रहा है। घर से ही क्लास लेना है, घर से ही जो करना है वो करना है, मतलब अपने काम को घर से ही करना है। तो चल रहा है। सबसे पहले तो मैं चाह रही हूँ बर्तन धोना है मुझे, बर्तन धो किचन वाला काम निपटा लूँ, फिर दूध लेने भी जाती हूँ जो नॉर्मल हम लोगों का काम रहता है। और सबसे पहले तो उठने के बाद चाय पीती हूँ, बेड को सेट करती हूँ। और आगे वाला बेड मैंने अभी सेट नहीं किया है क्योंकि अभी सोई हुई है। और अभी से चलिए फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मैं नहा के फ्रेश भी हो गई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि कुछ कुछ साफ़ सफाई करते रहना चाहिए तो धूल उल लग जाता है, इसलिए साफ़ सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा एडजस्ट का आवाज़ आया, बंद कर दिया मैंने, क्योंकि कोई भी किचन में काम करते समय ना पूरा गैस भर जाता है, इसलिए खोलना पड़ता है। और मैं अभी बैठाई हूँ तवा पे। उत्तपम मेरे पास इसका पेस्ट बना हुआ था, तो नाश्ते में मैंने सोचा चलो एक उत्तपम और एक थोड़ा सा चाय हो जाए, उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ। और जिस दिन मैं बनाई थी ना, उस दिन सूजी थोड़ा सा फूलने में नहीं फुला था तो उतना अच्छा नहीं बना था, पर आज जो है वो पूरा जो 24 घंटा रह गया तो उसका पेस्ट सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल गया है, तो एकदम ना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, अच्छा लग रहा है खाने में। चले बाबू खाने का तैयारी कर रहे हैं। मोटली सोना लगिया। मोटली आ आ नहीं, दाल भी है। दाल भी है। आज बाबू का खाना ऊपर रखे हैं। फ्रेंड्स
अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और हम लोग जो है खाना खाने जा रहे हैं और हम लोग थोड़ा लेट से खाना खाते हैं और सौम्या और पलक भी एक नींद मार ली और मैं बैठ के अपना फोन देख रही थी। मोमो के लिए तो खिचड़ी बना के अलग से रखी हूँ, उसका ठंडा हो जाए तो खिलाऊंगी। और आज मैंने खाने में की सब्जी में आलू गोभी की सब्जी बनाई है। बहुत दिन से गोभी हमारे घर में नहीं बन रहा था, नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं बन रहा था। आज बाबू का हमेशा बर्थडे रहता है, आज बाबू का 1 बजे केक आएगा। मैं जा रही हूँ, यहाँ पे खाना खाते क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं इसलिए, और उस रूम में भी जगह नहीं है इसलिए हमारा यहाँ। तो मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर में आपसे। आराम से सोई हुई है ना। डिंग कल मुम्मू ने बहुत सारा फोटो जो है वो खींचा है, बहुत ज़्यादा एकदम बटन को ऑन करते रही और इस दुनिया भर का फोटो ट्वीट से इसका चेहरे का बहुत सुंदर सा फोटो आया है। ए मेरी टोन पे मजा, मेरा तो टोन जो तोतला जैसा हो जाता है ना, इसलिए सब मजाक उड़ाती है। बाबू कुशन है, इस पर नहीं बैठते हैं, एक तो ऐसे इसका कवर नहीं लग पा रहा है फ्रेंड्स, और कोरोना की वजह से मैं कहीं जा भी नहीं रही, बहुत डर लग रहा है क्योंकि दिन पे दिन बढ़ रहे हैं ना। अब पास में जो प्रिंट है, मतलब ऐसे नाइटी वाला प्रिंट मिलता है जो कि मुझे नहीं चाहिए। आई मोमो से टकरा रही, पर्दा में पैर फंस गया इसलिए। तो ये हल्का सा आने का है, ये मैं हमेशा अपने घर में रखती हूँ, छोटे बच्चों के लिए भी रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में तो आप जानते ही हैं हमेशा कुछ ना कुछ, कभी इधर गिरे कभी इधर गिरे, तो थोड़ा सा जीप पे भी दे देती हूँ और लगा भी देती हूँ। और इसका बड़ा भी है जो हम लोग के हाथ पैर में दर्द करता है तो हम लोग लेते हैं, और मेरे को लगता है कि छोटा मोटा जितना भी जो दवाई है ना मेडिसिन वो मैं हर घर में रहता ही है, मैं भी अपना रखती हूँ ताकि इमरजेंसी में मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसमें मुझे रखना पड़ता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, काफ़ी पहले का है तो 2021 तक चलेगा। इसको क्या करोगे, पूरा बॉटल है, कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। फ्रेंड्स मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंचाया है, आई थिंक पलक का बर्थडे ब्लॉग जब मैंने डाला उसके बाद से अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि क्या वो वीडियो नहीं डाल रही हैं, आसपास के लोग भी बोलते रहते हैं और कुछ है। फिर मैंने जो क्या है ना, थोड़ा बहुत मैं शूट करती हूँ फिर कुछ कुछ काम में लग जाती हूँ, तो कभी कभी दिमाग में आता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब सही फैसला नहीं ले पाती हूँ, करूँ नहीं करूँ इसमें भी, क्योंकि मैं ठहरी बहुत ही ज़्यादा आलसी आदमी, और ऐसा कुछ नहीं है, टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। ऐसा मैंने अपनी खुशी के लिए ये चैनल खोल के रखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब पैसों के लिए खोला है, क्योंकि जब मैंने इसको बंद करना चाहा तो एक दो लोगों ने कहा कि खुशी के लिए आप जो है इस चैनल को चलाइए, ऐसा नहीं है कि, तो कभी कभी 2-4 दिन इधर उधर हो जाने से प्लीज़ माइंड मत करना आप लोग। और
अभी किसी ने मुझसे कहा कि मैं मुम्मू के बारे में, मतलब मुम्मू का स्पेशली एक ब्लॉग बनाऊं। अब मेरी छोटी बेटी का नाम अपराजिता है, मैं मुम्मू मुम्मू बोलती हूँ, तो उसके मतलब एक ब्लॉग ऐसा हो जिसमें सिर्फ मुम्मू का ही रहे। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, तो मैं इस पर काफ़ी पहले से मैं सोच रही थी, पर बहुत सारा फ़ोटो जो है लैपटॉप में है और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ, लगी हुई हूँ कि मैं उस पर एक ब्लॉग बनाऊँ। अरे बापे, मुम्मू का मेरा आवाज़ आ रहा है। तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे डी एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।